गाइस सुना किसी इंजेक्शन फ्राजू एक नया ब्लॉग के साथ। तो आई गाइस खुद स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस सुबह के बज चुके हैं 9:30 और आज का मौसम बहुत है, सुबह से बारिश हो रही है। तो मैं बैठा था शॉप पे, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग आज की सुहावनी सुबह के साथ। चलिए गाइस आज बनी है ब्रेकफास्ट में सूखी वाली भेल पूरी जो कि नमकीन वाली होती है। चलिए अब खाते हैं। आज हो रही है भयंकर बारिश, सुबह 4 बजे से हो रही है, अभी तक 11 बज चुके हैं, अभी तक बारिश हो रही है। देखिए कितना पानी हो चुका है हर जगह। गाइस ये देखो कौन आया है, क्या कर रहे हो, ये क्या लिया हाथ में, ये क्या है, छाता है तुम्हारा, दिखाओ तो, अच्छा लग रहा है कलरफुल, क्या चाहिए, ये देखो मटर आए हैं हमारी दुकान पे, मटर लेने आए हैं, थैंक यू, लीजिए आपकी मटर, थैंक यू, ओके। भाई शाम के बज चुके हैं 5, मेरे लिए अभी अभी भैया का फ़ोन आया था क्योंकि हम लोग गौ सेवा काम में काम करते हैं, तो हमारी एक गाय है उसका मतलब पैर थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो भैया का फ़ोन आया चलते हैं। तो हमारे जो टीम अध्यक्ष हैं मतलब जी अच्छे भैया हैं और खत्री भैया हैं वो आ रहे हैं, हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग की टीम आ चुकी है, हमारे प्रधान अध्यक्ष, हमारे अक्षय भैया, हमारे भैया खत्री भैया आ चुके हैं, हम लोग चले भैया, चलो लेट हो रहा है, जल्दी चलो चलते हैं हम लोग, क्या करें, एक ही गाड़ी पर 3 दिन लोग जाने पड़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी हम लोग के पास कम है, चलो जल्दी क्योंकि गौ माता की सेवा में लगना है। गाइस बताइए एक गाड़ी पर 3 दिन बैठ के जाना पड़ रहा है, अभी हम जल्दबाजी में हेलमेट की गाड़ी कमा ले गए, एक बार दो गाड़ी थी चले ली, हेलमेट भी लगाना उसके लिए माफ कर देगा, माफ करिएगा, आगे हम लोग जाना रखेंगे, हेलमेट पहन के जाना चाहिए। गाइस इस गाय का पैर में कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, देखिए इसको ठीक करना है, पहले उसे पकड़ते हैं और फिर इसका इलाज करेंगे। तो भैया प्यार से मना रहे हैं उसको, हाँ सही है, नहीं सही है, सही सही है, हमने तो आज देखी है, तो हमें थोड़ा सा पैसा लगा, सही है भैया ने हमें इन्फॉर्म किया कि गाय के पैर का थोड़ा सा लग गई है, हम लोग आए हैं, देखो ये वाला पैर, इस वाले पैर में थोड़ी चोट है, दोनों को ठीक करते हैं, अभी देखते हैं भैया ऑपरेट करेंगे। नहीं नहीं वो बाद में बांधी, ये वाला यहाँ से लगा है, ये लग गई गाय को, ये पैर नहीं कैसे टूट गया, एक्सीडेंट में हो जाती है ये चीज़ें, इसका देखो प्यारा सा बच्चा है, ज्यादा लगी नहीं लगी है ना, पता नहीं देखो चोट लगी है, राइट वाले पैर में चोट लगी है। तो गाइस इसको बहुत चोट ज्यादा है, तभी भैया वीडियो कॉल कर रहे हैं बड़े डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर सारा लेनी पड़ी, हम क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब, देखो ये अभी वीडियो कॉल चल रही है डॉक्टर साहब,
ठीक है ये कितनी सुंदर कितना प्यारा बच्चा है भाई। नहीं मतलब से करते हैं लोग, बस दूध निकला तो ले लिया और नहीं निकला छोड़ देते हैं, यही तो है। कितनी सुंदर गैया है देखो, कितना दर्द हुआ था, कितना रोई है देखो वो, ये कर रहे हैं इलाज। हाँ और क्या, इसलिए तो परेशान है सब लोग, हम लोग सबसे सब परेशान है इसी वजह से। पट्टी तो कर दी है वहाँ पर, अभी तो ठीक है, थोड़ा सा पानी पिला देते हैं, पानी पिला दो, वो पी लेगी अपने आप, पी लेगी तो ऐसे नहीं पिएगी, थोड़ी देर में उठा लेना बाल्टी। ठीक है चलते हैं अच्छे से लेना, देख थोड़े कुछ दिनों में आएंगे, देखते हैं सही होगा फिर और दोबारा पट्टी कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए, भैया ने फ़ोन करके बताया था, थैंक यू अंकल। चल चलते हैं। तो गाइस गाय को फर्स्ट एड दे के हम लोग आ चुके हैं, मतलब उसका पूरा उपचार कर दिया, उसके पैर में पैर फ्रैक्चर हो चुका है, तो डॉक्टर से भी बात कर लिए, मतलब कल डॉक्टर आएंगे उसको देखेंगे। तो अभी हम लोग पैर में मतलब उसका पट्टी कर दिए, चोट साफ कर दिए, पट्टी वट्टी बांट दी अच्छे से, इंजेक्शन लगा दिया पूरा, जैसे उसे दर्द भी कम रहा है, वो अच्छे से रहे। तो खाना पीने की व्यवस्था कर दी, पानी की व्यवस्था भी कर दी है, तो अभी घर आ गए। लेकिन आपसे कोई बात शेयर करनी थी, आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब लोग रोड पर तेज़ गाड़ी चलाते हैं, और गाय भैंसों का हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी इतना कर रहे हैं गायों के लिए, लेकिन फिर भी मतलब बढ़ता जा रहा है क्राइम गाय को लिए, कहीं ट्रकों में गाय मिल रही है, कुछ रोज़ हम लोगों के नए सामने केस आते हैं कि एक्सीडेंट इधर गाय का एक्सीडेंट हो गया इधर गाय। तो मेरे लिए कुछ मेरे फ़ोन में फोटोज़ पड़ी हैं कि हम लोगों को रोज़ कहीं ना कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो आपसे शेयर करनी है। तो आप देखिए मेरे मतलब मेरे फ़ोन में कितनी फ़ोटोज़ पड़ी हैं, मैं आपको शेयर करूँगा, देखिए। गाइस आपने देखी कितनी भयंकर भयंकर फोटोज़ हैं, मतलब कितने असहनीय दर्द हैं हमारी गाय माता को, ये रोज़ के ही हैं, मतलब रोज़ ने हाथ से हो गए, कई को तो हमें नॉलेज नहीं है कि जहाँ तक नहीं मिल पाती है, कई जो मिलती हैं वो आप तो हम शेयर कर रहे हैं रोज़ की, मैं इस मतलब ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, लोग कहेंगे मतलब कि कंटेंट के लिए ये मतलब शेयर कर रहा है, तो ये नहीं, आपको बस अवेयर करने के लिए कि मतलब जितना हो सके जहाँ भी आपको कंटेंट मिले तो मेरे को आप मैसेज डाल सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी जितेन जैक्सन करके, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उसमें कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी paljitendra479@gmail.com, उस पर भी आप मेरे को मेल डाल सकते हैं, आप मेरे को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं, फेसबुक आईडी भी मेरी जितेन जैक्सन करके, उस पर भी आप डाल सकते हैं, हम तुरंत आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होंगे, नहीं होंगे तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी होंगे तो हमारी वहाँ पर टीम है, मतलब आप तक सेवा पहुँच जाएगी। तो जो भी हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें कि मतलब लोग अवेयर हो पाएँ कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ किसी भी जानवर, मैं नहीं कह रहा हूँ गौ माता, किसी भी जानवर को आप अगर पीड़ित देखें या उसको तकलीफ में है तो उसकी हेल्प जरूर करें, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। तो गाइस आज के लिए मैं अलविदा, मैं अभी जितेंद्र जैक्सन, जय हिंद जय भारत।